जब जीव से चेतना का साथ छूट जाए, उसे उसका लक्ष्य ज्ञात ना हो और ऐसे में उसे कुसंग मिल जाए, तो वो दैत्य के अधीन हो जाता है महादेव। शनि के साथ यही हुआ, उसकी माता का साथ छूट गया और वो लक्ष्यहीन हो गया, और ऐसे में राहु का साथ। अब आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है महादेव? जो जानबूझकर किया जाए वो अपराध होता है, और अज्ञानता में हो तो वो भूल होती, भूल को अवसर दिया जाता है, दंड नहीं महादेव। मत रुकिए महादेव, संहार कर दीजिए मेरा। मुझसे भूल नहीं हुई है, मुझसे वो हुआ है जो आप सब देवों की दृष्टि में अपराध है। मैंने नीति के चक्र से विद्रोह किया है महादेव। मैं देवो और दानव दोनों के लिए एक संकट बन चुका हूं, क्योंकि मेरी माता के चले जाने के पश्चात ना तो मेरा कोई अस्तित्व है और ना ही कोई जीवन का प्रयोजन। माता के आराध्य थे आप, जिसके समक्ष मेरी माता ने जीवन भर अपना सिर झुकाया, उसके विरोध मैं कैसे अस्त्र उठा सकता हूं महादेव? नष्ट कर दीजिए मुझे। परंतु मैं एक प्रश्न अवश्य उठाना चाहता हूं देव, क्यों किया मेरी माता के साथ ऐसा? यदि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है तो बताइए मेरी माता ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जो उन्हें जीवन दान मिलने के पश्चात भी आपने उन्हें विलुप्त हो जाने दिया? आज नंदी पर प्रहार हुआ, वीरभद्र पर शस्त्र उठे, तो आपको क्रोध आ गया। तो फिर बताइए महादेव, जब मेरी माता पर प्रहार हुआ तब आप मौन क्यों रहे महादेव? यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं तो दीजिए, ताकि मेरे नाश से पूर्व मेरा मन शांत हो। मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है शनि, परंतु उन्हें समझने के लिए अभी तुम्हारी चेतना जागृत नहीं है। अपने प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए तुम्हें पहले अपने अस्तित्व का प्रयोजन समझना होगा, और इसके लिए आवश्यक है कि तुम्हारी चेतना को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे भीतर एकत्रित हो चुकी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कराया जाए। शांति।
क्या अनुभव हो रहा है शर? तुम्हें भी यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि तुम्हारी माता मर चुकी है। असुरक्षा, हताशा अनुभव हो रहा है कि सब मुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं, मुझे उन्हें छीन लेना चाहते हैं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं। ये मूलाधार चक्र से जुड़ा भय का भाव है शर। आभास कर, जो यह भाव अनुभव कर रहा है वो तुम नहीं हो। मुक्त हो जाओ इस भय से। आप क्या अनुभव कर रहे हो शनि? अनुभव हो रहा है कि मैं संसार में किसी का नहीं। कुछ स्मरण आ रहा है तो वो पल जब मेरी माता ने मेरे लिए बनाई गई लोरी यमी को सुनाई। एकाकी अनुभव कर रहा हूं मैं देव। स्वाधिष्ठान चक्र, मुक्त हो जाओ इस निराशा से शनि। अब क्या अनुभव हो रहा है शनि? शक्तिहीनता, अपनी माता की रक्षा नहीं कर पाया। असहाय अनुभव कर रहा हूं मैं देव। मणिपूरक चक्र, आभास करो शनि, इस असहायता के भाव का अनुभव करने वाले तुम नहीं। मुक्त हो जाओ इस बाधा से। रम वो क्षण स्मरण हो रहा है देव जब मैंने पहली बार अपनी माता के साथ सूर्य देव और यम यमी को देखा था। अनुभव हो रहा है कि मेरा अस्तित्व निरुद्देश्य था, किसी को मुझसे प्रेम नहीं था। अनाहता चक्र, इस चक्र से जुड़ी निराशा से मुक्त हो जाओ शर, मुक्त हो जाओ। अब अनुभव हो रहा है कि संसार में सब कुछ छल है, कोई विश्वास का पात्र नहीं। अब तो स्वयं पर भी अविश्वास होने लगा है देव। शुद्धि चक्र से जुड़े अविश्वास के भाव से मुक्त हो जाओ शर। वशता, किसी पर मेरा वश नहीं, स्वयं पर भी नहीं, भाव पर नहीं, चेतना पर नहीं, आत्मा पर नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं दिखता दे। और ना किसी की कई बात का अर्थ समझ आता है। आज्ञा चक्र से जुड़ी इस बाधा से मुक्त हो जाओ शर। विश्वास करो, जिसे यह दुर्बलता अनुभव हो रही वो तुम नहीं। मुक्त हो जाओ अंधकार से और प्रकाश में आओ। ओम
अब मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं, मन में कोई शांति नहीं, जीवन जीने का कोई संतोष नहीं, और मेरी माता के पश्चात मेरे अस्तित्व का कोई मोल नहीं। सहस्त्रार्थ से जुड़े इस असंतोष से मुक्त हो जाओ शनि। विश्वास करो, जो यह पीड़ा अनुभव कर रहा है वो तुम नहीं हो। मुक्त हो जाओ संसार के हर भाव से, हर पीड़ा से, हर भय से। अपनी दृष्टि खोलो और अपनी आत्मा पर आए असंतोष के बादलों को छांटो। मुक्त हो जाओ शनि। ओम भी तुम्हारे और तुम्हारे मन के बोझ के मध्य एक दूरी शेष है शनि। उसे मिटाने के लिए आवश्यक है कि तुम अपनी जीवन यात्रा देखो, स्वयं से विलग होकर। देवासुर संग्राम। जब सृष्टि के संहार तक पहुंच गया तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। शीघ्र ही एक ऊर्जा पुंज अस्तित्व में आएगा जो अपने पराए की सीमा से उठकर पृथ्वी के सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल देगा। एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी जो सबको उनके जीवन काल में ही उनके कर्मों का फल दे सके, पाप का दंड और पुण्य का पुरस्कार दे सके। इस प्रकार सृजन हुआ तुम्हारा। सबको संभाव से न्याय दे सको इसलिए मेरी इच्छा थी कि तुम सूर्य के अंश से जन्म लो। जिसकी चाल होगी धीमी तेज होगी मार, जिसकी पदचाप सुनाएगी न्याय ध्वनि, कर्म फल दाता शनि अर्थात धीमी गति से चलने वाला, क्योंकि कर्मों को आंकने के लिए ठहराव की आवश्यकता होती। फिर सृजन हुआ पृथ्वी का, जहां उत्पन्न हुए मनुष्य ही नहीं अपितु सभी प्राणियों के कर्मों का फल तुम्हें ही उन्हें देना था। अब समय है तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि तुम्हारी माता को जीवन दान देने के पश्चात भी मैंने उनके प्राण क्यों ले लिए। मैंने देवी छाया के प्राण नहीं लिए शनि। देवी छाया स्वयं
अपनी इच्छा से विलुप्त हो गए। मैं पुनः उसी शरीर में समा जाने का आह्वान करती हूँ जिस शरीर से मेरा जन्म हुआ। कर्म फलदाता बनने के लिए आवश्यक था कि तुम निष्पक्ष रहो, अनासक्त रहो। देवी छाया को यह आभास हो गया था कि तुम्हारे कर्म फलदाता बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वो स्वयं थी, क्योंकि तुम्हें सबसे अधिक मोह अपनी माता से ही था। इसलिए देवी छाया ने अपना बलिदान दे दिया। हाँ शनि, नंदी और वीरभद्र पर प्रहार होने से उग्र होने वाला यह शिव अपनी परम भक्त छाया के अंत पर मौन रहा, क्योंकि बलिदान को मौन रहकर ही श्रद्धांजलि दी जाती है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि तुम्हारी माता को किन कर्मों का दंड मिला। दंड नहीं शनि, तुम्हारी माता ने पुरस्कार चुना। तुम स्वयं अपनी माता के संस्कारों की और उनके बलिदान की परछाई हो। परछाई को जन्म देने के लिए शरीर को सूर्य का ताप सहना ही पड़ता है। अपना परिचय स्वयं बनाओ पुत्र, तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र बड़े पद पर आए, सम्मान पाए, बहुत ऐश्वर्यशाली बने। कभी ना कभी तो माता पिता को अपनी संतान को छोड़कर जाना होता है ना पुत्र, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं के लिए जीना सीखो। अपनी माता से क्षमा चाहता हूँ महादेव, उनकी हर बात बिना कहे समझी, परंतु उनका बलिदान नहीं समझ सका महादेव। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ महादेव कि मैंने आप पर अविश्वास किया। मैं उस हर पीड़ा के लिए क्षमा चाहता हूँ तो मैंने अनजाने में आप सबको दी। क्षमा दी शनि, परंतु अब तुम बताओ, क्या तुम सज्ज हो अपनी माता के बलिदान का मूल्य चुकाने के लिए? सज्ज हो अपनी माता की परछाई बनकर संपूर्ण संसार को न्याय का प्रकाश बांटने के लिए? सज्ज हो कर्म फलदाता बनने के लिए? सच्च हूँ महादेव, सच्च हूँ महादेव, सच्च हूँ महादेव।
आज मैंने वास्तविक रूप में अपने जीवन का प्रयोजन समझा। अब से ना कोई मित्र होगा, ना शत्रु, ना कोई प्रतिबंध और ना ही संबंध। सबको संभाव से न्याय दूंगा, न्याय दूंगा, न्याय दूंगा। आज के पश्चात तुम्हारा यह दंड सदैव अक्षुण्ण रहेगा। अपने जीवन के इस प्रयोजन को पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण कर। चेतना और विवेक, इनका साथ कभी मत छोड़ना। कोई संशय है? संशय नहीं, प्रश्न है महादेव। आपने कहा मुझे जीवों के कर्मों का फल देना है, परंतु मैं किसी के भी कर्मों का आकलन कैसे कर पाऊंगा? मैं कैसे जान पाऊंगा कि उसने क्या शुभ किया है और क्या अशुभ? कैसे जान पाऊंगा कि किसी दंड देना है और किसे पुरस्कार? तुम्हारे इस प्रश्न से मैं बहुत प्रसन्न हूं शनि, क्योंकि जिसके पास तुम्हारे जैसी शक्ति है उसके हृदय में यह प्रश्न उठना आवश्यक है। यदि यह प्रश्न ना उठे तो वो शक्ति भी अनावश्यक है। इस शक्ति का प्रयोग कहां और कैसे करना है यह जानने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। मैं दूंगा तुम्हें वो दिव्य दृष्टि, वो दृष्टि जो इस संपूर्ण सृष्टि में त्रिदेव के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं। मैं तुम्हें वक्र दृष्टि का वरदान देता हूं शनि, वरदान देता हूं शनि, वरदान देता हूं शनि। जिस पर भी डालोगे उसके जीवन के हर पल का, शुभ अशुभ कर्मों का, प्रत्येक विचार का ज्ञान तुम्हें हो जाए और तुम निष्पक्ष होकर न्याय कर सको और आवश्यकता पड़ने पर उस जीव को उचित मार्ग पर भी ला सको।
मेरे त्रिशूल की ओर देखो शरण। पास वक्र दृष्टि है शनि, जो तुम्हारा उत्तरदायित्व को पूरा करने में तुम्हारी सहायक हो। वक्र दृष्टि, महादेव ने शनि को वक्र दृष्टि दी। अब वक्र दृष्टि के चक्र में स्वयं उन्हें फंसना होगा। नारायण नारायण, किंतु आपके मन में क्या है प्रभु? प्रश्न मेरे मन का नहीं, उस यात्रा का है जो संसार को एक बड़ी सीख देने वाली। सीख? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। प्रतीक्षा कीजिए देव ऋषि, सब समझ में आ जाएगा, आपको भी और शनि को भी। महादेव, आपने मुझे वक्र दृष्टि दी, परंतु इसका उपयोग क्या होगा? ये मेरे लिए उपयोगी कैसे होगी? ये भी आप ही को सिखाना होगा। महादेव, क्या मैं एक बार इस वक्र दृष्टि का प्रयोग आप पर कर सकता हूं?